दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और अब बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में कुछ और आगे। वेद पैनिक हो गया और उसे जल्दी से दरवाजा बंद होने से रोक दिया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया था। मौर्य महल से किसी ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे और उसकी आंखों में अजीब सा लुक दिख रहा था। वो एक पल के लिए शांत रहा और फिर उसने एक कदम पीछे लिया और उसने फाइनली कहा, आओ अंदर आकर बात करें। वेद का दिल जोर जोर से कूदने लगा था। वो इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि कार्तिक के शब्द सच में काम कर जाएंगे, मगर जब उसने मौर्य महल शब्द सुनने के बाद सिद्धार्थ का रिएक्शन देखा तो उसके दिल में एकदम से उम्मीद जा गई थी। वेद अंदर गया और सिद्धार्थ ने उसको कुर्सी पर बिठाया। क्या सच में मौर्य महल में किसी ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आने को कहा था? सिद्धार्थ ने पूछा। वो वेद को संदेह से देख रहा था। वेद पर उसकी तेज नजरों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे चाकू उसकी तरफ उड़कर आ रहे थे। वेद को अचानक से अपने शरीर में अदृश्य शक्ति भरती हुई महसूस हुई और वो खुद को डर की वजह से पसीने से भीगता हुआ महसूस कर रहा था। क्या नीली शक्ति का खतरनाक और आप ऐसा ही महसूस होता है? ये काफी डरावना है। मैं श्योर नहीं हूँ, मगर उसने आपसे ये कहने के लिए कहा था। वेद ने सिद्धार्थ के आगे कुछ झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। नीली शक्ति से झूठ बोलने का परिणाम सहने के लिए वो तैयार नहीं था। उसने सिद्धार्थ की आईब्रोज ऊपर उठ गई थी। कौन उसने? कार्तिक, उसका नाम कार्तिक है और वो चारुमति गुरुकुल का शिष्य है, वेद ने जल्दी से जवाब दिया। जब सिद्धार्थ ने कार्तिक शब्द सुना तो उसकी आंखों में एक बार फिर से अजीब सी चमक आ गई थी। कार्तिक, देविका, क्या वेद जिस इंसान के बारे में कह रहा है वो सच में मौर्य महल की बेटी है? सिद्धार्थ कभी भी उस लड़की की दृढ़ता और क्रूरता से भरी आंखों को नहीं भूल सकता था। उस इंसान की उम्र क्या है? सिद्धार्थ ने सावधानी से पूछा। करीब 18-19 साल। उसके लुक्स और फीचर्स? कोमल और अट्रैक्टिव। कोमल अट्रैक्टिव? सिद्धार्थ की आंखें थोड़ी छोटी हो गई थी। वो लड़की जो उसको याद थी वो काफी ज्यादा सुंदर थी। भले उसका छोटा चेहरा अभी तक पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ था, मगर उसके काफी ज्यादा सुंदर फीचर्स सारे शहर को गुलाम बना सकते थे और एकदम से लोगों के दिल चुरा सकते थे। उसकी उम्र बिल्कुल सही थी। सिद्धार्थ ने एक भी शब्द नहीं कहा और वो शांत रहा और उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था। सिद्धार्थ जी, उसने सिर्फ आपसे कल दोपहर में आत्मिक शक्ति के इलाज की फैकल्टी में मिलने की रिक्वेस्ट की है। ये देखकर कि सिद्धार्थ अपने गहरे ख्यालों में था, वेद ने सीधे उससे कार्तिक के कहे हुए शब्दों को कह दिया। सिर्फ मिलना है? हाँ ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ ने फाइनली अपना सर हाँ में हिलाया। पूरी दुनिया में वो लोग जो ये जानते थे कि उसका मौर्य महल से कोई लिंक है, वो जमीन के 6 फीट नीचे दफन थे और वो अब भूत बन चुके थे। अगर वो इंसान सीधे ये क्लेम करने की हिम्मत कर रहा था तो वो जरूर मौर्य महल से जुड़ा होगा। भले वो इंसान देविका थी या नहीं, सिद्धार्थ ने उसे मिलने का डिसाइड कर लिया था। मैं ये सुनकर काफी खुश हूँ, वेद ने एक्साइटेड होकर खड़े होकर कहा। इस दुनिया में कुछ ही लोग थे जो सिद्धार्थ के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सकते थे और काफी रिस्पेक्टेड नीली शक्ति इस्तेमाल करने वाला वो कोई मामूली इंसान नहीं था। सिद्धार्थ को किसी के इंस्ट्रक्शन मानने की जरूरत नहीं थी और वो खुद से अपने मन की कर सकता था। सिद्धार्थ को तैयार करने में वेद को थोड़ी उम्मीद की किरण दिख रही थी। उसके जाने से पहले वेद ने हिचकिचाहट से सिद्धार्थ को देखा और वो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने कहा, मैं आपसे बस एक विनती करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मान जाओगे। क्या? सिद्धार्थ का मौर्य महल का आभार चुकाना बाकी था। उसने वेद के लिए खुद को कोमल किया। सौरभ ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि वो आज तक सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन की वजह से ही जीवित है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसकी सेफ्टी के लिए ऐसे ही एफर्ट्स लगाते रहो। वो अच्छा बच्चा है। वेद ने अपने दांतों को आपस में दबाकर विनती की और उसने सिद्धार्थ को देखकर सिंसियरली अपना सर नीचे झुका लिया था। सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, वो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है, मैं नेचुरली उसका ध्यान रखूंगा। वेद मुस्कुराया और वो काफी राहत महसूस कर रहा था और वो रिस्पेक्टफुली वहां से चला गया। कुटिया के छोटे से आंगन में देविका आत्मिक शक्ति के इलाज की टेक्निक के बेसिक्स वरुण को एक्सप्लेन कर रही थी। वरुण स्टूल पर बैठा था और वो ध्यान से उसको सुन रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा और क्रूरता की चमक गायब थी और उसके लुक्स फाइनली वेद का सुशील और ईमानदार शिष्य होने का ऐलान कर रहे थे। हालांकि देविका ये अच्छे से जानती थी कि ये सब सिर्फ एक झूठा मुखौटा था। वरुण ने देविका की गाइडेंस से टेक्निक्स पर एक्सपेरिमेंट किया, जबकि देविका सावधानी से वरुण के हर एक एक्शन को देख रही थी। अगर चारुमति गुरुकुल में अकेले सिर्फ वरुण था तो उसको इतनी चिंता नहीं थी, मगर अगर वहां पर 12 जगह से और भी लोग हुए तो देविका को डर था कि रणवीर अकेले उन सबका सामना नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि वो दुश्मनों की गिनती को लेकर श्योर न हो जाए, देविका तब तक सिर्फ ऑब्जर्व ही करेगी। राजू टेबल और चेयर साफ कर रहा था, तभी वो वरुण की मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो गया। राजू ने मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर भोलेपन का हाव भाव था। उसने वरुण को एक टक अपने हाथ को देखते हुए देखा। वो अपनी पावर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजर फिर मुड़कर देविका के ऊपर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरों में से आज्ञाकारिता जल्द ही गायब हो गई थी, मगर उसने एक बार फिर से जल्दी से अपना सर नीचे झुकाया और उसने कोई शब्द कहे बिना खुद को एक बार फिर से बिजी कर लिया था। वरुण ने कुछ बार ट्राई किया मगर वो अपनी पावर को आत्मिक पावर में नहीं बदल पा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान की जगह धीरे धीरे जहरीले पन्ने ले ली थी। अपनी शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश में एक बार फिर से फेल होने के बाद वरुण ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसने उसको अपने आगे टेबल पर मार दिया और उससे टेबल टूट गई थी। ये सच में ऐसा कुछ है जो सिर्फ तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है? वैसे
तुमने वेद से पहले काफी देर तक बात की थी, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वरुण की आंखों में अजीब इमोशंस आने लगे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो, देविका ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया। वरुण सरप्राइज्ड हो गया था, उसने सोचा था कि देविका वेद से मिलने की कोई और वजह बताएगी, और उसने ये नहीं सोचा था कि कार्तिक इस बारे में इतना फ्रैंक होगा। भले ही उसने ये नहीं सुना था कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसने ये अब भी गेस कर लिया था कि कार्तिक के वेद से मिलने के पर्पस से जरूर उसका कुछ लेना देना था। मैं वरुण हूँ, आत्मिक शक्ति के इलाज की फैकल्टी में आपका जूनियर, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो तुम उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, तुमने जाकर उनसे क्यों पूछा? वरुण ने कहा। उसने हंसना शुरू कर दिया था और उसकी आंखों में अजीब इमोशंस भर आए थे। ये चीज जो तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये समझनी काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे ये जाकर वेद को दिखानी चाहिए ताकि वो मेरा कंफ्यूजन क्लियर करने में मदद कर सके। वरुण ने जब वो शब्द कहे तो उसकी नजरें देविका के चेहरे पर पड़ी। ये देखकर कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे, वो मुस्कुराया और वो वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसा कि उसने सोचा ही था, उसको संदेह होने लगा था। देविका की नजरें छोटी हों और वो वरुण को वहां से जाते हुए देख रही थी। जब देविका वरुण को आत्मिक शक्ति के इलाज की फैकल्टी से बाहर लेकर गई थी तो वरुण का संदेह बढ़ गया था, मगर वो इंतजार करना चाहता था ताकि उसके वापस जाने से पहले उनका प्लान शुरू हो जाए और वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ ले। रणबीर, देविका ने धीमी आवाज में रणबीर को बुलाया। रणबीर अचानक से आंगन में आ गया था। राजू जो कि अभी सफाई कर रहा था, जब उसने रणबीर को देखा तो वो जम गया था। रणबीर ने राजू की तरफ एक नजर देखा भी नहीं था और वो देविका के आगे एक घुटने पर बैठ गया और उसने कहा, मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ मालकिन। क्या वेद वापस आ गया? हाँ, मैंने उन्हें अपनी आंखों से आत्मिक शक्ति के इलाज की फैकल्टी में जाते हुए देखा। देविका ने अपना सर हाँ में हिलाया। टाइमिंग बिल्कुल सही थी, अगर वरुण वापस भी चला जाए उसको किसी भी गलत चीज का एहसास नहीं होगा। शतरंज का खेल बस अभी शुरू ही हुआ था। रणबीर जैसे अचानक से आया था उसी तरह से वो एकदम से घर चला गया। वो जल्दी ही गायब हो गया था। देविका खड़ी हुई और वो अपने रूम में वापस जाने वाली थी, मगर जैसे ही वो जाने के लिए खड़ी हुई अचानक से उसके आगे कोई आ गया। राजू के घुटने तेज आवाज के साथ जमीन पर पड़े और वो देविका के पैरों के आगे बैठ गया और वो चिंतित होकर आवाजें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रार्थना कर रहा था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में कुछ और आगे। राजू नर्वस होकर देविका के आगे घुटने पर बैठा हुआ था। वो अपने दोनों हाथों से इशारा करके कुछ कहने की बहुत कोशिश कर रहा था और वो अपने मुंह से डेस्परेट आवाजें निकाल रहा था। राजू कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी जबान कटी हुई थी, उसका मुंह अब बोलने में सक्षम नहीं था और वो सिर्फ ऐसी आवाजें निकाल रहा था जो समझनी मुश्किल थी। राजू ने दरवाजे के बाहर इशारा किया और वो झुक कर बार बार अपना सर जमीन पर मार रहा था। जमीन पर सर फोड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो लगातार अपने सर को जमीन पर मारे जा रहा था जिससे उसका माथा छिल गया था। राजू की चोट से खून बहना शुरू हो गया था, अगर राजू रुका नहीं था और वो बार बार अपनी बची कुची ताकत से जमीन पर अपने सर को पटके जा रहा था। तुम पागल नहीं हो, देविका ने कहा। वो राजू को शांति से देख रही थी। राजू ने अपना सर ऊपर उठाया और उसकी नाक के ऊपर से खून बहने लगा था। उसका चेहरा खुशी से चमक गया था और उसने बार बार अपना सर हिलाया। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, देविका ने उससे पूछा। राजू ने एक बार फिर से अपना सर हिलाया। खड़े हो, देविका जाकर साइड में बैठ गई और उसने ब्रश और भोजपत्र निकाल कर टेबल पर रखा। अगर तुम बोल नहीं सकते तो लिखो। राजू खड़ा नहीं हुआ बल्कि वो टेबल के बराबर में ही बैठ गया। उसने अपने हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ था और उसने जल्दी से उस पर लाइंस लिखनी शुरू कर दी। वो लिख कर भोजपत्र को भर रहा था। उसके हाथ जिससे उसने ब्रश को पकड़ा हुआ था वो थोड़ा कांप रहे थे, मगर ये नहीं पता था कि ये उत्तेजना से था या फिर किसी और वजह से। थोड़ी सी देर में ही राजू ने 3 पेज भर दिए और उसने उन्हें देविका की आंखों के आगे रख दिया। वो एक बार फिर से घुटने के बल बैठ कर अपने सर को पटकने लगा था। वो भीख मांग रहा था जैसे कि देविका ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। देविका ने वो भोजपत्र उठाए और उसने अपनी नजरें उनकी तरफ घुमाई। उसको एक नजर देखकर ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। राजू का ये हाल इसलिए नहीं था क्योंकि वरुण ने उसको बोर होकर यातना दी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि राजू राज जानता था, धनंजय की मौत का राज। उस दिन धनंजय के कक्ष में धनंजय और सौरभ के अलावा वहां पर एक और इंसान था और वो था राजू। जब से राजू को कुटिया से निकाला गया था वो मायूस हो गया था। वो हमेशा से चाहता था कि आरुष की रक्षा के लिए कार्तिक को कुटिया से निकाल दिया जाए और वो हमेशा से कार्तिक को अपना काफी बड़ा दुश्मन मानता था। वो उसको उस दिन तक दुश्मन मानता रहा था जिस दिन वेद ने चारुमति गुरुकुल में सबको एकत्रित किया और कार्तिक की असली पहचान सबको बताई और उस समय कार्तिक के बारे में सारे रूमर्स को गलत साबित कर दिया था और कार्तिक पर लगे सभी आरोपों से वो मुक्त हो गया था। राजू भी उस दिन वहां पर मौजूद था और जब उसने वहां पर कही हुई सब बातों को सुना तो उसका दिल पूरी तरह से गिल्ट से भर गया था। ऐसा कई बार हुआ जब उसका मन हुआ कि वो कुटिया में जाकर कार्तिक से माफी मांग ले, मगर उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी के लायक भी नहीं था। कार्तिक ऐसा घिनौना इंसान नहीं था जैसा उसके बारे में अफवाहों में कहा गया था। उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। उसने जेन्युइनली आरुष की कंडीशन का इलाज करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए थे, मगर राजू को अब एहसास हुआ था कि वो उन अफवाहों से अंधा हो गया था और उसने उस पर आसानी से विश्वास कर लिया था जिससे उसने अच्छे इंसान पर गलत आरोप लगा दिए थे। शर्मिंदगी अंदर ही अंदर उसे खोने लगी थी। राजू सब कुछ साफ कर देना चाहता था, अगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी के लायक नहीं था और वो कार्तिक का और सामना नहीं कर सकता था। उसके अंदर की गिल्ट बढ़ती जा रही थी। उसके ख्यालों को धनंजय ने समझ लिया था और धनंजय
राजू को हमेशा ऑनेस्ट और डिपेंडेबल बच्चा मानता था। भले ही उसने गलत किया था, अगर उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। राजू को इतना डिप्रेस्ड और मायूस देखकर धनंजय उसकी ये मामला सुलझाने में मदद करना चाहता था। कोइंसिडेंसली उस समय कार्तिक और आरुष चारुमति गुरुकुल में नहीं थे, इसलिए धनंजय ने राजू को अपने कक्ष में छुपा दिया था और उसने सौरभ को अपने कक्ष में बुलाया। वो इस मामले को लेकर उसके बेटे के व्यूज सुनना चाहता था और वो देखना चाहता था कि राजू कार्तिक से माफी मांग सकता था। हालांकि उस दिन राजू कक्ष के कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था। वो कंपार्टमेंट के छोटे छोटे छेद से कक्ष में जो कुछ भी हो रहा था वो देख रहा था। धनंजय प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा था। उसने पहले सौरभ से कैजुअली रोज के टॉपिक पर बात की, फिर वो कन्वर्सेशन को राजू के टॉपिक पर ले आया। राजू उस समय कंपार्टमेंट में छुपा हुआ था। वो इतना चिंतित था कि उसकी हथेली नर्वसनेस की वजह से गीली हो गई थी। हालांकि जैसे ही सौरभ कुछ कहने वाला था, कक्ष का दरवाजा अचानक से खुल गया। दो और लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे, उनमें से एक महेश था और दूसरा वरुण। राजू ने पहले ये नहीं सोचा था कि कुछ गलत है, मगर आगे जो कुछ हुआ उसको देखकर उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो पाताल लोक में चला गया था। वरुण ऑफिस के अंदर आ गया और कोई शब्द कहे बिना वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वरुण धनंजय के बराबर में आ गया था और उसके हाथ में तलवार को उसने सीधे धनंजय की छाती में मार दिया और उसने उसको जिस कुर्सी पर बैठा था उस पर ही दबा दिया था। यहां तक कि मरने तक भी धनंजय को रिएक्ट करने का समय नहीं मिला था और उसको एहसास नहीं हुआ था कि क्या हो रहा है। धनंजय वरुण के हाथ जिससे उसने तलवार पकड़ी हुई थी उससे की हुई चोट से खून बहना शुरू हो गया था और उसकी आंखें अविश्वास से महेश को देख रही थी जो कि वरुण को ऑफिस में लेकर आया था। जब धनंजय मर गया तो सौरभ गुस्से से वरुण पर अटैक करने लगा, मगर ये सरप्राइजिंग था कि सौरभ जो कि चारुमति गुरुकुल की टॉप की रैंक्स में था वो वरुण के हल्के से वार से ही मात खा गया था। वरुण ने सौरभ को नहीं मारा, बस उसने सौरभ के सर पर अपने दोनों हाथों से प्रहार किया। राजू कंपार्टमेंट में जमकर खड़ा था और सौरभ को जमीन पर पड़ा देख रहा था। फिर उसने महेश की आवाज सुनी। महेश ने कहा, फाइनली तुम फाइनली मर गए धनंजय, तुम फाइनली मर गए। उस समय राजू को ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आमतौर पर अच्छे मैनर वाला महेश धनंजय को सच में मारना चाहता था। छिपे हुए कंपार्टमेंट में वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के ऊपर रख दिया था और फिर वो रोने लगा। उसने वरुण को धनंजय की छाती से तलवार निकालते हुए साफ साफ देखा था और उसने वो तलवार फिर बेहोश सौरभ को पकड़ा दी थी। उसके बाद वो महेश के साथ कक्ष से चला गया था और उसने दरवाजा बंद कर दिया था। राजू काफी निराश हो गया था और उसके सर में पीड़ा से भरा दर्द भर गया था जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फटने ही वाला था। मगर जल्दी ही सौरभ बैठ गया। राजू उत्तेजित हो गया था और वो उस छिपे हुए कंपार्टमेंट से बाहर आना चाहता था, लेकिन फिर उसने सौरभ के अजीब स्वभाव को नोटिस किया और वो एक बार फिर से वहां पर जम गया था। सौरभ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे उसकी आत्मा ले ली गई थी। वो ब्लैंकली अपने आगे देख रहा था। उसके हाथों ने अब भी वो तलवार पकड़ी हुई थी जिससे धनंजय मरा था। तलवार से खून बहे जा रहा था, मगर सौरभ अपने आसपास हर चीज से अनजान लग रहा था और वो बस वहां पर बिना हिले डुले खड़ा था। राजू आगे बढ़कर सौरभ की हालत देखना चाहता था, मगर उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला। वो नौकर जो आरुष को कुटिया में खाना देता था, धीरज, उसने ही दरवाजा खोला था। उसने एक पल शांति से सौरभ को देखा और सौरभ बिना हिले डुले कक्ष में खड़ा था और वो आगे ब्लैंकली देख रहा था। उसने सौरभ को धीरज से आवाज दी, मगर उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। अगले ही पल धीरज अचानक से जोर से चिल्लाया, बड़े गुरु जी, यहां पर क्या हो रहा है? तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर कई लोग वहां पर आ गए। धनंजय मर गया था और रूम में सौरभ ब्लैंकली खड़ा था और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ में खून से सनी हुई तलवार पकड़ी हुई थी, एक इंच भी नहीं हिल रहा था। सब जो कुछ देख रहे थे उससे वो हक्के बक्के रह गए थे। महेश धीरे धीरे वहां पर आया था और उसने धनंजय के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी थी और वो दुखी होने का दिखावा कर रहा था। और फिर उसने गार्ड्स को सौरभ को बंदी बनाने के आदेश दे दिए थे जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मगर राजू ने सब कुछ देखा था। धीरज के जोर से चिल्लाने से पहले उसके होंठों पर एक पल के लिए मुस्कान आई थी। राजू ये साफ तौर पर देख सकता था। धनंजय के खून और फिर उसका इल्जाम सौरभ पर डालना, धीरज भी इस गुनाह में भागीदार था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए शो। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका, लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। सौरभ को वहां से ले गए और खून से भरे कक्ष को साफ कर दिया गया। खाली कक्ष में एक बार फिर से शांति भर गई थी। राजू पूरे 3 दिन तक कंपार्टमेंट में छुपा रहा था। उसको बाहर आने में काफी डर लग रहा था। फिर 3रे दिन देर रात वो फाइनली बाहर आया और बचकर निकल गया। बाहर आने के बाद उसको एहसास हुआ कि चारुमति गुरुकुल पूरी तरह से बदल गया था। महेश को बड़े गुरु की पोजीशन मिल गई थी और सौरभ को बंदी बना लिया गया था जहां पर उसको किसी भी समय खत्म किया जा सकता था। वो लड़का वरुण जिसने धनंजय को मारा था उसने चारुमति गुरुकुल में काफी डर फैला दिया था। राजू वहां से भाग जाना चाहता था और उसको ये नहीं पता था कि वो उसको बचाने के लिए किससे मदद मांगे। उसने छुपने के बारे में सोचा और वो आरुष को ढूंढने के मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो आरुष को इस मामले के पीछे का पूरा सच बता दे। मगर राजू को जल्द ही वरुण ने पकड़ लिया था। वरुण को नहीं पता था कि जिस दिन धनंजय मरा उसने राजू कहां था, मगर वरुण कार्तिक को ढूंढ रहा था और उसने महेश से पहले राजू के कार्तिक के साथ किए गए बर्ताव के बारे में सुना था। सिर्फ अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वरुण ने राजू की जीभ काट दी और उसकी उंगलियों को तोड़ दिया।
राजू अब तक सिर्फ इस वजह से जिंदा था क्योंकि राजू पूरी तरह से पागल हो गया था। पागल को मारने से वरुण को वो संतुष्टि नहीं मिलती जो वो चाहता था और उसने उसको जिंदा छोड़ दिया। और तो और सिद्धार्थ अचानक से वापस आ गया था और अब वो जब चाहे तब किसी को नहीं मार सकता था, इसलिए उसने राजू की जिंदगी बख्श दी। जब भी उसका किसी को जान से मारने का मन करता था तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को उसकी पिटाई करके निकाल लेता था। राजू कुछ दिन पहले ही छिपने के लिए भागा था, उसके बचने के बाद वो कुटिया में छुप गया था और उसने बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं की थी। वो वहां पर इसलिए नहीं छुपा हुआ था क्योंकि उसको मरने से डर लगता था, बल्कि वो जिंदा रहना चाहता था ताकि वो आरुष से मिलकर उसको धनंजय की मौत के बारे में सब कुछ सच बता दे। राजू ने ये नहीं सोचा था कि उसके इंतजार करने पर वो आरुष की जगह कार्तिक से मिलेगा। जब आरुष ने कार्तिक को देखा तो वो उसको सब कुछ बता देना चाहता था, मगर जब उसने वरुण की ताकत के बारे में सोचा जिसका सामना बड़े गुरु और सौरभ भी नहीं कर पाए थे, तो उसने सोचा कि कार्तिक वरुण का सामना करने पर भी बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने उससे सच छुपाया। फिर उसने अभी जब रणबीर को अचानक से देखा तो उससे राजू को उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी। वो काफी पावरफुल था और वो शायद वरुण को भी हरा सकता था। तभी उसने कार्तिक को सब कुछ सच सच बताने की हिम्मत जुटाई। देविका ने वो सब पढ़ा जो राजू ने लिखा था और उसके चेहरे पर सलबटें आ गई थी और वो अब भी घुटने टेक कर बैठे राजू को देख रही थी। वो उससे सौरभ को बचाने की भीख मांग रहा था। उसने अपनी गिल्ट और शर्म के बारे में बताया। राजू ने यह भी कहा था कि अगर वो सौरभ को बचा लेगी तो वो खुद को मारकर उसका एहसान चुका देगा। देविका ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। राजू ने उसको जो कुछ भी बताया था उससे उसका पहले का डाउट क्लियर हो गया था। सौरभ को जब बंदी बनाया गया तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ गुरुकुल में थे तो फिर सौरभ ने उसको सब कुछ क्यों नहीं बताया था? सिद्धार्थ की मौजूदगी में अगर सौरभ ने अपनी इनोसेंस को प्रूव कर दिया तो सिद्धार्थ जरूर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा और वरुण और महेश से भी छुटकारा दिला देगा। सच ये था, ऐसा नहीं था कि सौरभ ने सच नहीं बताया था, बल्कि वो ऐसा नहीं कर सकता था और वो बताने में सक्षम नहीं था। राजू ने जो कुछ बताया उसके बेसिस पर देविका ये काफी अच्छे से समझ सकती थी कि वरुण ने सौरभ के सर पर जो दो वार किए थे उससे सौरभ के सर पर भारी चोट आ गई। राजू खुद को नहीं बल्कि सौरभ को बचाना चाहता था। उसका जरूर दिमाग खराब हो गया था और वो पागल हो गया था। कभी जो उज्जवल और निष्कपट लड़का था वो अब चला गया था। सौरभ को उसने उसके रूम में बंदी बनाया हुआ था। वो अब सिर्फ एक चलता फिरता शरीर बन गया था जिसमें कोई समझ नहीं थी। उठो, देविका ने गहरी सांस लेकर राजू से कहा। हालांकि राजू अब भी अपने सर को जमीन पर पटक कर प्रार्थना कर रहा था। उसके माथे की खाल ऑलरेडी फट गई थी और उसमें से लगातार खून बह रहा था और उसका काफी खून बह गया था। वो मरना डिजर्व करता था, वो काफी भूला था और उसको मरना था। यहाँ तक कि अगर देविका भी उससे उसकी जान मांगे तो वो उससे ज्यादा डिजर्व करता था। मगर सौरभ भैया को जरूर बचाना था। सौरभ भैया को कौन बचाएगा? प्लीज उनको बचा लो। राजू लगातार अपने सर को जमीन पर पटके जा रहा था। वो जानता था कि अभी सिर्फ एक ही इंसान सौरभ को बचा सकता था और वो सिर्फ कार्तिक था। और राजू अपनी सारी उम्मीदें कार्तिक से लगाकर उससे भीख की प्रार्थना कर रहा था। वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और वो बार बार अपने सर को जमीन पर पटक रहा था और उसकी आवाज देविका के कानों में पड़ रही थी। मैं सौरभ को बचाऊंगा, देविका ने फाइनली कहा। राजू ने अपना सर ऊपर उठाया और खून बहकर उसके चेहरे पर आ गया था। मगर राजू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उसने एक पल के लिए देविका को देखा, उसका दिल आभार से भर गया था और वो एक बार फिर से नतमस्तक होने वाला था। देविका ने उसको कंधे से पकड़ लिया था। अगर तुम यहाँ पर ऐसे नतमस्तक होकर बैठे रहे तो मैं उसको नहीं बचाऊंगा, देविका ने राजू को धमकी देते हुए कहा। राजू काफी शॉक था। वो काफी देर तक शांत रहा और फिर उसने फाइनली खड़े होने का डिसाइड किया और उसने देविका को देखकर अपना सर नीचे झुकाया। उसके माफी से झुके हुए सर से उस समय राजू की शर्मिंदगी का पता चल रहा था। कार्तिक को उसकी जान नहीं चाहिए थी और ना ही उसने कोई माफी की उम्मीद की थी, जिससे राजू का दिल ऑलमोस्ट पछतावे से भर गया था। अगर उसने सुनी हुई बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया होता और कार्तिक का अपमान ना किया होता तो चीजें अब अलग होती। कार्तिक की क्षमता और स्किल को देखते हुए अगर वो चारुमति गुरुकुल में ही रहता और यहाँ से ना जाता तो क्या धनंजय और सौरभ के साथ ये सब नहीं होता? जब ये सब ख्याल उसके दिमाग में आए तो राजू की आंखों से आंसू बहकर उसके चेहरे पर आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ पहले जैसा करने के लिए क्या करे। रणबीर, देविका ने अचानक से कहा। रणबीर जो एक पल पहले ही गया था वो एक बार फिर से वापस आ गया था। देविका ने राजू की तरफ इशारा किया और उसने रणबीर से कहा, इसको मैथ ही लेकर जाओ और इसको आरुष के आगे मत लाना। रणबीर ने अपना सर हाँ में हिलाया और राजू देविका को शौक से देख रहा था। उसने अभी ही आरुष के नाम का जिक्र होते हुए सुना था। आरुष को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर तुम अपने पिछले बुरे कामों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हो तो जिंदा रहो और अपनी पूरी जिंदगी का इस्तेमाल इसके लिए करो, मेरे लिए नहीं बल्कि सौरभ के लिए। देविका ने राजू को दवाई की कुछ बॉटल्स दी। राजू की चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी लेकिन उसकी जीभ वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। वो राजू को इसलिए नहीं बचा रही थी क्योंकि वो उसको माफ करके उस पर उपकार कर रही थी, बल्कि देविका को लगता था कि भले ही वो आरुष हो या सौरभ, वो दोनों ये जानकर काफी खुश होंगे। राजू ने देविका की उसको दी हुई दवाई को ले लिया। उसके आंसू निकल गए थे। वो समझ गया था कि कार्तिक उससे क्या कह रहा था। वो जरूर उस समय बेसुध होगा जब उसने सौरभ पर शक किया था और उसने अफवाह फैलाई थी कि सौरभ चारुमति गुरुकुल को पाने के लिए आरुष को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भले ही राजू नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मगर इससे सौरभ की रिपोर्टेशन पर काफी असर पड़ गया था और इस बार महेश ने सौरभ पर धनंजय को मारने का आरोप लगाया था।
और वो पिछले अफवाहों का ही नतीजा था। लोग हमेशा ऐसी अफवाहों पर विश्वास कर लेते थे। जब ये अफवाहें बार बार कही गई तो इसको सच मान लिया गया था और कोई भी इसके पीछे का सच नहीं जानना चाहता था। आ, आ, राजू देविका को देख रहा था। उसके गले से उसकी आवाज निकल रही थी लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता था। वो उसे माफी मांगना चाहता था, वो उसे थैंक यू कहना चाहता था, मगर उसे ये कहने में काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब जब वो बोल नहीं सकता था तो ये जरूर उसको स्वर्ग से मिली सजा थी, उसके इग्नोरेंस के लिए और उसके भोलेपन के लिए जिससे उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। राजू ने कार्तिक को शांत नजरों से देखा और फिर वो रणबीर के साथ चला गया। वो दिल में दुआ कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, सौरभ के लिए, आरुष के लिए और कार्तिक के लिए। जब वरुण कुटिया में वापस आ गया तो राजू को ऑलरेडी गए हुए काफी समय हो गया था। उसको देख कर लग रहा था कि जैसे उसने राजू के जाने को नोटिस ही नहीं किया था, मगर देविका को वरुण में से खून की तेज बदबू आ रही थी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही, कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होती हूँ। दोस्तों मेरा नाम है मोनिका और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। खून की बदबू से देविका को एहसास हो रहा था कि जब अभी वरुण आत्मिक शक्ति के इलाज की फैकल्टी में गया था तो उसने चारुमती गुरुकुल में एक बार फिर से किसी का खून कर दिया। जो चीज तुमने मुझे सिखाई थी उसको लेकर वेद भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, वरुण ने देविका से हंसते हुए कहा और वो सीधे देविका को देख रहा था। देविका ने एक शब्द भी नहीं कहा और वो एक बार फिर से पावर का ट्रांसफॉर्मेशन करने लगी। अगर कोई गिफ्टेड ना हो तो वो वेद के उसे खुद से इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी वो आत्मिक शक्ति के इलाज की टेक्निक की स्किल्स को नहीं सीख सकता था, बिल्कुल जैसा पहले शाश्वत के साथ हुआ था। वरुण के लिए भी ऐसा ही था। देविका को नेचुरली इसकी कोई ज्यादा चिंता नहीं थी। वरुण को खाने के समय पर एहसास हुआ कि राजू वहां पर नहीं था, मगर उसने वो बात बस हंसकर टाल दी और उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मगर राजू के वहां पर ना होने पर कुटिया में ऐसा कोई नहीं था जिसको खाना बनाना आता हो। वरुण ने देविका से उसके साथ खाना खाने के लिए चलने को कहा और जब वो उस जगह पर पहुंचे तो देविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वरुण देविका को बड़े गुरु के घर के आंगन में लेकर आ गया था। वो पहले धनंजय का घर था मगर अब वहां पर सब कुछ महेश का हो गया था। महेश को एक बार फिर से देखकर देविका के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, जबकि महेश पहले की तरह ही खुद को उदार दिखा रहा था। हालांकि ये महेश का दिखावा था। महेश ने कार्तिक को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसके दिल में उसको कोई भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। कार्तिक सौरभ और आरुष दोनों का ही दोस्त था और साक्षी की मौत में कार्तिक का भी हाथ था, मगर वरुण और बाकियों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए महेश के पास उन्हें कार्तिक के आत्मिक शक्ति के इलाज की टेक्निक को जानने का लालच देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। मगर वो ये भी जानता था कि इसके बाद वो कार्तिक के शरीर से एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब उसने याद किया कि साक्षी की मौत कितने दयनीय हालत में हुई थी तो वो छोटी मुस्कान जो वो अपने चेहरे पर लाने की कोशिश कर रहा था वो थोड़ा गायब हो गई थी। जब खाना शुरू होने ही वाला था तभी महेश ने अचानक से देविका से कहा, तुम कुछ समय के लिए चारुमती गुरुकुल में नहीं थे। जब तुम शुरू में यहाँ पर पढ़ भी रहे थे तभी मैं तुम्हें ज्यादा देख नहीं पा रहा था, और अब जब तुम यहाँ पर हो तभी तुम एक भी शब्द नहीं कह रहे हो। क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या बीमार हो? तुम मेरे और वरुण के साथ ज्यादा मिले जुले नहीं हो और मुझे लगता है कि तुम खाना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। क्यों ना हम ऐसा करें? महेश की आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो साइड में खड़े धीरज की तरफ मुड़ा और उसने धीरज से कहा, जाओ जाकर सौरभ को खाने के लिए बुलाकर लेकर आओ। देविका की आंखों में शांति थी और उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे। वो महेश की तरफ भी देख नहीं रही थी। महेश की बात सुनकर धीरज हक्का बक्का रह गया और कुछ देर बाद उसने महेश की बात मानी और वो वहां से चला गया। वरुण देविका की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ा और उसने देविका से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी सौरभ के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। वरुण महेश की इंटेंशंस को समझ सकता था मगर वरुण उसे रोकना नहीं चाहता था। वरुण खुद भी ये देखने के लिए इंटरेस्टेड था कि ये एक्सप्रेशन लेस लड़का सौरभ को ऐसी हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखेगा? देविका ने धीरे धीरे खाना उठाया। वो वरुण से बात करने की जरा सी भी इंटेंशन नहीं दिखा रही थी। हालांकि महेश ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, जब कार्तिक का चारुमती गुरुकुल में दाखिला हुआ था तो सौरभ उसका मेंटर था। शुरुआत में गुरुकुल में कार्तिक के बारे में काफी अफवाहें थी और वो अफवाहें काफी जहरीली थी, मगर सौरभ उसकी रक्षा करता रहा। यहाँ तक कि वो उसको कुटिया में भी ले गया। वहां पर रहकर कार्तिक को काफी शांति से दिन बिताने का मौका मिला था। अब जब महेश बोल रहा था तो उसकी आंखों में दुर्भावना से भरी चमक दिख रही थी। वरुण ने जो कुछ पहले कहा था उससे महेश ऑलरेडी समझ गया था कि अगर वो कार्तिक का विरोध करेगा तो वरुण इस बात का बुरा नहीं मानेगा, और अगर सच में ऐसा है तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता था। थोड़ी देर के बाद देविका ने अपना खाना खा लिया था तो वहां पर चुपचाप बैठी थी। तभी उसने देखा कि धीरज किसी जाने पहचाने इंसान को घसीटते हुए दरवाजे से लेकर आ रहा था। जब देविका की नजर उस इंसान पर पड़ी तो उसका दिल थोड़ा सा कांप गया था, मगर उसका वो रिएक्शन उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था और उसकी आंखें पहले की जैसी ही थी। धीरज सौरभ को यहाँ पर जबरदस्ती घसीटते हुए लेकर आया था। कभी जो लड़का काफी हैंडसम था वो पूरी तरह से बदल गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका चेहरा उतर गया था। वो काफी पतला हो गया था। उसके शरीर की बस हड्डियां दिख रही थी। उसके खून से सने कपड़े पूरी तरह से गंदगी से भर गए थे और उस कपड़े का असली रंग बताया नहीं जा सकता था। उसका जो चेहरा कभी हंसी से भरा रहता था उस पर अब कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसकी वो आंखें जो कभी तारों की तरह चमकती थी और वो अनफोकस्ड और डल हो गई थी। वो ब्लैंकली सीधे अपने आगे देख रहा था। सौरभ के सूखे होंठ थोड़े से खुले हुए थे, शायद डिहाइड्रेशन की वजह से उसके होंठ सूख गए थे और वो कई जगह से चोटों से भरे हुए थे। उसके चेहरे पर से खून बह रहा था।
और वो उसकी चिन से आकर टपक रहा था। उसके गंदे कपड़ों ने उसके लंबे और अब पतले शरीर को ढका हुआ था। वो काफी पतला हो गया था जिस वजह से उसको वो कपड़े काफी ढीले आ रहे थे और बड़े साइज के कपड़े उसके शरीर पर ढीले होकर लटके हुए थे। आपका सौरभ गंभीर बीमार आरुष से भी ज्यादा पतला हो गया था। उसके बालों में सूखी घास भरी हुई थी और उसका चेहरा गंदा हो रहा था। उसके दोनों हाथ और पैर चेन से बंधे हुए थे और धीरज ने चेन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो अपने पीछे सौरभ को जबरदस्ती खींच कर ला रहा था। उसके हर कदम आगे बढ़ाने पर उसके टखने पर बंधी भारी चेन जमीन से टकरा रही थी और उसे निकल रही तेज आवाज उन सब के कानों में पड़ रही थी। सौरभ की हालत अब किसी फटीचर गरीब की जैसी हो गई थी। अगर सौरभ के चेहरे के फीचर्स बदले होते तो उसको देविका पहचान भी नहीं पाती। सौरभ के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे उसको एहसास हो गया था कि वो बुरी हालत में था, मगर उसने फिर भी ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी हालत में होगा। और ये सिद्धार्थ के उसकी रक्षा करने पर था। अगर सिद्धार्थ ना आया होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि सौरभ मर चुका होता और अब तक लाश बन गया होता। साक्षी की मौत की वजह से महेश सौरभ और मौर्य परिवार से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था। उसने अभी मौर्य महल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था और धनंजय ऑलरेडी मर चुका था, इसलिए उसने अपनी सारी नफरत अकेले सौरभ के ऊपर निकाल दी थी। सौरभ अब भी जिंदा था, मगर ऐसे जीना मौत से ज्यादा दयनीय था। उस समय यह अच्छा था कि सौरभ अपना दिमाग खो चुका था, वरना वो अब तक जिंदा नहीं बचता। देविका ने सौरभ की अब की तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल दिया था। उसकी आंखों में पहले की तरह शांति थी। उसका दिमाग ऑलरेडी अंदाजा लगा चुका था कि उसने क्या क्या सहन किया होगा। डिहाइड्रेशन, सूजन, तेज बुखार, ये सच में चमत्कार था कि सौरभ अब तक जिंदा था। सौरभ तुम आ गए, आओ बैठो। महेश के चेहरे पर जेंटलनेस का मुखौटा था और वो मुस्कुरा रहा था। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो उसके काफी करीब था, मगर सौरभ ने अब समझ नहीं थी, महेश की बात को समझ नहीं सकता था। महेश की जेंटल टोन और स्वभाव के विपरीत धीरज का चेहरा डार्कनेस से भरा हुआ था और वो सौरभ को टेबल की तरफ घसीटते हुए ला रहा था। उसकी कठोरता से भरी हरकत की वजह से सौरभ को ठोकर लग गई थी और वो सीधा जमीन पर गिर गया था। कभी सीधी कमर के लंबे लड़के को हेल्पलेस होकर जमीन पर गिरते हुए देखकर देविका को अचानक से अपने दिल में सुई चुभती हुई महसूस हुई। सौरभ को ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए था, वो ये डिजर्व नहीं करता था। तुम कैसे गिर गए, कोई जल्दी से इसको उठाने में मदद करो, महेश ने हंसते हुए कहा। धीरज ने सौरभ को उसके दोनों कंधों से पकड़ा और उसको सीधे कुर्सी पर डाल दिया। सौरभ के जमीन पर गिरने से उसके धूल और गंदगी लग गई थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी आंखें खालीपन से आगे देख रही थी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।